नाबालिग के साथ घर में घुसकर दो आरोपियों ने आतंकित कर की छेड़छाड़, वहीं पीड़िता को रिपोर्ट लिखाने पर दी जान से मारने की धमकी। रिपोर्ट लिखाने गए पिता को दरोगा ने मारकर भगाया। पुलिस ने नहीं लिखी अभी तक पीड़िता की रिपोर्ट। परिजन ग्रामीणों के साथ पीड़िता को लेकर पहुंचे एसपी के पास तथा लगाई न्याय की गुहार। वहीं एसपी ने दिया आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन। मेनपुरी से सुधीर मिश्रा के साथ देवेंद्र कुमार की रिपोर्ट। हमारे साथ गलत कर हुआ। कौन थे, किसने किया था? जी मेरा भतीजा है, वो उसका नाम पुष्पाल है और कुमार पाल है, वो भाई लगता है। तो पहले तो उस पाल ने मेरी छेड़खानी की थी, फिर मारने की। तो मम्मी मैंने चीख में चिल्लाने लगी तो छोटा भाई था घर पे, वो भी चिल्लाने लगा तो उसकी लाठी मार दी दो तीन, तो उसका गोड़ सूज गया है। और उसके बाद उसने भी चिल्लाया तो मम्मी गली में, तब तक मम्मी आई, मम्मी ने उस पाल को पकड़ लिया और कुमार थे वो भाग गए। पुलिस से शिकायत की तो क्या? पुलिस से शिकायत की थी हम लोगों ने, लेकिन पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की थी। और पापा थे मेरे, मौसा जी भी लगती है, तो उन दोनों ने को ना वहीं बैठा लिया था थाने में। तो पापा की दो तीन थप्पड़ मार दी, साला तू बहाने बना के आ गया है थाने में। हाँ अच्छा, क्या हुआ? नहीं दोनों लोग बच्चा आया था तो दरवाजा गेट मेन गेट में, हम लड़की को अपने लेट गए और खाना खा के सो अंदर को लेट गई थी। तो उस पाल आए, छेड़खानी करी और देखो कौन पालने करी, तो हमने उस पाल लड़की कहने करी है इनको, हम आए वास्ते फिर इसने पकड़ लिया, एक हमने उस पाल पकड़ लिया, तुम कौन पाल भाग। पुलिस से शिकायत की तो पुलिस से शिकायत करी तो मैंने कोई सुनवाई ना करी कि तुम गलत का केस बना के ले आयो, तो मैंने कोई सुनवाई ना करी। भाग्य मन से बैठा लिया, इन्हें बैठा लिया, हम वजे आए दोनों जने और पति के थप्पड़ मार दिया। अच्छा क्या हुआ पूरा मामला, क्यों आप एसपी ऑफिस आए हो? हम शिकायत करने के लिए आए। क्या किस चीज़ की शिकायत? हमारी बच्ची की फ्रीडम दी है, इसके लिए मैं आया था और हमने दिया था, हमको धमकाया। आप देख रहे हैं इंडिया 24 टीवी।